जितना हुआ मैंने किया, अब सब कुछ अल्लाह पर है। हाथ में बॉक्स, इसके अंदर है अब मैं लेके जा रहा हूँ हमारे बर्ड्स के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज इनके लिए बनाकर लेकर आया हूँ मैं। ये अंगूर है, लाल साग, पालक साग, चने दाल, मूंग, धान वगैरह सब कुछ इसमें भिगाया हुआ है। गेहूँ भी हम इसको यहाँ रख देंगे, क्योंकि आपको पता है उस तरफ पानी आता है और वो पूरा गंदा हो गया है। आज यहीं पर कॉकटेल सारे खाएंगे। कुछ हम लॉबर्ड्स के लिए अलग कर देंगे, इसमें से थोड़ा सा अंगूर और थोड़ा सा सॉफ्ट फूड, इतना काफ़ी है लॉबर्ड्स के लिए। देखो, मुझे देखते ही फौरन अंदर चले जाते हैं। बारह बजे का टाइम, बहुत ज़्यादा धूप हुआ था, जिसके वजह से यहाँ पर जो कबूतर थी फीमेल सिराजी की, मैं उसको रूम के अंदर लेके गया हूँ। अब ये सारे कबूतर को खोलते हैं। देखो, धूप की वजह से किस तरह से बैठे हैं। हम पहले खोल कर इनको थोड़ा सा पानी पिलाएंगे। आ जाओ, अच्छा, यहाँ से भी खोल देते हैं। ये सारे आगे, ये दोनों का पर बंधा हुआ है, लेकिन डर रहे हैं बाहर आने से। आ जाओ आ जाओ, शुक्र है ये भी आ गए। मौसम ऐसा है जब लग रहा हो जैसे बारिश आने वाला हो, थोड़ा ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। आ जाओ पानी डालते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा प्यासे थे, देख रहे हो पानी किस तरह से पी रहे हैं। कल इसका तबीयत नॉर्मल था, लेकिन आज ये खड़ी भी नहीं पा रही। देखो, ऐसे सोकर पड़ी हुई है। इसको आज भी हम हाथ से खिलाएंगे। मैं चने दाल से इसका छिलका, ठीक है, ऐसे करके निकाल दिया हूँ, क्योंकि ये हज़म करने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट खाएगा तो हज़म हो जाएगा। इसको पकड़ कर ये सारा फिर खिलाता हूँ। मैं भीगा हुआ रखा हूँ, क्योंकि इसको गले में उतरने को आसानी हो। खिला दिया हूँ और दवाई भी पानी के साथ। अब मेरे से जितना हुआ मैंने किया, अब सब कुछ अल्लाह पर है, बस वहीं शिफा दे सकते हैं। इसको वापस से ठंड वाली जगह में रख देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इसका बॉडी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, शायद बुखार की वजह से। मुझे लगता है शायद इसको बुखार हुआ है। बुखार की दवा कल मैंने भी खिलाई थी और कुछ देर पहले भी खिला दिया हूँ। दुआ करें बस ठीक हो जाए। चलना भी स्टार्ट हो गया, अभी बारिश हो जाएगी शायद, जल्दी से खिला कर बंद करना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हवा तेज़ होने स्टार्ट हुआ, अभी मौसम चेंज हो रहा है। जल्दी से इनको खिला कर बंद कर देंगे, वरना ये भी बीमार पड़ सकते हैं। ये जी हमारा मैंगो, तबीयत इतना ख़राब है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा ब्लॉक करने को। मैंगो, एक इधर आओ, मैंगो। ये उड़ जाता था, उड़ जाना है इसको। कबूतर अभी सब बैठे हुए हैं, देखा यहाँ पर लाइन से बैठे हुए हैं, इधर उधर होकर। इनको पानी भी डालना है। मैंगो कुछ टाइम खेले, इसको केज के अंदर खोल दूँगा, हमारे मास्टर केज में इसको खोल दूँगा, ताकि घूम पाए। जाओ देखो इसको, मैंगो इधर आओ। ये जी हाथ में भी आता है, अच्छी बात है। चलो जाओ जाओ, एंजॉय करो अपनी, इधर आओ। ये जी उड़ के भी आता है। पहले हम इसके लिए हुइसल लेकर आएंगे, ये उड़े ना, इसको हुइसल बजाकर इसका साउंड चेक करेंगे। आ जाओ, मैं हुइसल लेकर आता हूँ इसके लिए। ये रहा जी हुइसल। मैंगो देखो, आवाज़ निकालना तुम। ओह, कान के पास चीखता है। इधर आओ, हम बैठाएंगे इसको यहाँ पे और बजाएंगे। बोलो। नहीं, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मूड आएंगे। अच्छा अच्छा, ए इधर। ये रहा जी हमारा मैंगो। देखो मुर्गी बैठी है, पता नहीं किसकी मुर्गी है, ऊपर बैठी हुई है। मैंगो जाओ, थोड़ा सा उड़ कर आओ, जाओ। अब हुइसल कॉपी करना इधर।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए नहीं 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 उड़ जाता है। नहीं भाई कितना लंबा फ्लाई किया देखा आपने। अब मैं इसके अंदर बंद कर दिया हूँ इसको। सीड्स वगैरह इसके अंदर है आज के लिए, बहुत ज़्यादा काफ़ी है इतना। बारिश देखो उठा कर आया है, जल्दी चलते हैं कबूतर बंद करेंगे। ये मुश्किल से डायरेक्ट बंद कर दिया सारे कबूतर को इस तरफ। अब लॉक कर देते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अब ये थोड़ा बहुत हवा लगेगा इनको क्योंकि दिन भर गर्मी में रहे हैं। फिर हम रात के टाइम ऊपर से कवर कर देंगे, रात की ठंड हवा नहीं लगे जैसे। फिलहाल आ गए हैं सलीम भाई के शॉप में, ठीक है। मछली काफ़ी सारा है इनके पास, कुछ मछली लेंगे जो बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। और अब दिखाता हूँ, तीन कॉकटेल लेकर आए हैं जो हैंटे में बिल्कुल। देखें ये तीनों कॉकटेल जो है हैंटे में पूरा, ठीक है। काटते नहीं है, कॉकटेल इतना आसान से नहीं मिलते लेकिन इनके पास अभी भी है। तीनों हैं, ठीक है। कोई काटते नहीं, देखो आराम से हाथ में बैठा। इसको भी लूँगा, ये देखो दूसरे वाले को भी हाथ में बैठाया, हमारे किंग की तरह बिल्कुल। कुछ हरकत नहीं करते, कुछ काटते नहीं है, आपको नॉर्मल रहते हैं। देखो हाथ दिखाते ही चले जाते हैं। बंगाली फिंच बहुत सारे आए हैं, ये रेड कलर के बंगाली बहुत कम आते हैं। सोचे कि इसका एक पेयर ले लें, अभी देख रहे हैं वीडियो में कि इसका मेल फीमेल कैसे पहचानते हैं। एक तो चॉइस हो गया मेल, बाकी एक फीमेल देख रहे हैं, इसमें से एक पेयर ले लेंगे हम। प्राइस क्या है? 550 500 रेड वाला, ब्लैक का 400, ठीक प्राइस है उसे। मैं मुंबई में बहुत ज़्यादा ले लिया मेरे से, मुंबई से जो भी मैं लेकर आया था फिंचेस सारे अंडे उनके सब अनफटे निकलते हैं। घर पहुंच गया हूँ, हाथ में बॉक्स, इसके अंदर है रेड बंगाली फिंच। हमारे यहाँ ब्लैक कलर के रहेगा और बंगाली फिंच है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जो विंडो के साइड झूला हुआ है पीछे में वो है, ये सामने देखो उड़ के रहे, ठीक है। ये देखो ये सामने कॉकटेल के सामने वो जो थे वो होते हैं बंगाली फिंच, ऐसे उड़ के जाते हैं, कोई नज़र में आते। देखो ब्लैक एंड वाइट में वहाँ लटका हुआ था, वैसे ही होते हैं बंगाली फिंच। इसके अंदर है रेड बंगाली फिंच, इसको ओपन करते हैं, ऐसे करके ओपन करेंगे। आ जाओ भाई फिंच, ये ओपन हुआ तब तो। इसके अंदर देखो ग्लास ऑन करता हूँ, ये देखें, ये देखो भाई ये होते हैं रेड बंगाली फिंच, बहुत अच्छे लगते हैं उसे। उनके पैर में ब्लू कलर का प्लास्टिक रिंग भी है, ये गए उड़कर। क्या आवाज़ है, बिल्कुल मतलब मैच कर जाते हैं। वो ब्लैक है देखो इस तरफ, देखो बीच में सेंटर में ब्लैक है और साइड में जो यहाँ पर ये वाला और ये वाला वो रेड बंगाली है। गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये फिंच कैसे लगे। देखो सिंगिंग कर रहा है, देखो हमारा पुराना बंगाली उसको देखकर सिंगिंग कर रहा है, उसका साउंड सुनो। खैर दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना और नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।